हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बनाएंगे करवा चौथ स्पेशल हलवाई जैसा खस्ता क्रिस्पी मठरी, वो भी 10 मिनट में घर पर, और वो भी आटे से। ये बनाने में जितना ज़्यादा आसान है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और आप इसे बना करके 10 से 12 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इस मठरी को आप व्रत के दिन भी फटाफट से 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। मठरी बनाने के लिए हम एक बर्तन लेंगे और इसमें 1/4 कप सूजी डालेंगे और इसमें 1/4 कप गेहूं का आटा लेंगे। सूजी और आटा हम सेम क्वांटिटी में लेंगे। और अब हम एक कटोरी में दूध लेंगे और इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे। आप इसकी जगह चीनी का पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम दूध में चीनी को अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम आटे में 1 चम्मच घी डालेंगे। आप घी की जगह तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा मठरी का। और अब हम घी को आटे और सूजी में चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे हाथ से मिलाएंगे जिससे आटा और सूजी अच्छे से मिल जाएगा। आटा और सूजी को इस तरीके से 1 से 1.5 मिनट के लिए मिला लेंगे, जिससे मठरी हमारा बहुत ही अच्छा और खस्ता बनेगा। और ये देखिए, मठरी के लिए यहाँ मैंने आटे और सूजी को अच्छे से मिला लिया और इसका इजीली ये इकट्ठा हो रहा है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा चीनी वाला दूध डालेंगे। दूध डालकर आटे को हम हाथ से अच्छे से मिलाते हुए इकट्ठा कर लेंगे या गूंद लेंगे और इसका कड़क डो लगा लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने आटे में थोड़ा सा दूध डाल करके इसका कड़क डो लगा के तैयार कर लिया है। और अब हम डो को ढक कर 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। 5 मिनट हो गया है, आटे को हम चेक कर लेंगे। और ये देखिए, डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। और चलिए अब हम इसके मठरी बनाएंगे। मठरी बनाने के लिए हम इसे एक बार फिर से हल्के हाथों से गूंद कर चिकना कर लेंगे और इसके छोटे छोटे लोई तोड़ लेंगे। इस डो से हम 2 तरह के मठरी बनाएंगे। आपको जो आसान लगे या अच्छा लगे, आप उस तरीके से मठरी बना सकते हैं। और अब हम एक लोई लेंगे और इसे रोल करते हुए इस तरह दबा करके इसका पेड़ा बना लेंगे। और अब हम बेलन से बेलते हुए इसे छोटे छोटे मठरी का शेप देंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने मठरी को रोल कर लिया है। और अब हम इसे फॉर्क से प्रेस करते हुए दबा लेंगे, जिससे मठरी फ्राई करते हुए फूलेगी नहीं। और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सेम तरीके से हम और भी मठरी को बना करके रोल कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने दूसरे मठरी को भी रोल कर लिया है। और इसे भी हम कांटे वाले चम्मच से इस तरह दबा लेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। और सेम तरीके से ये देखिए, यहाँ मैंने सारे मठरी को बेल कर प्लेट में निकाल लिया है। और चलिए हम एक दूसरे तरीके का मठरी बनाएंगे। मठरी बनाने के लिए डो लेंगे और इसका पेड़ा बनाएंगे। और अब हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल डालेंगे। सफ़ेद तिल डाल करके हम पेड़े के दोनों तरफ तिल लगा लेंगे। तिल लगा करके अब हम इसे हल्के हाथों से बेलन से रोल कर लेंगे। आप इसे चाहे तो पतला या मोटा, आपको जैसा मठरी बनाना या खाना पसंद है, आप उस तरीके से बेल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ इसे पतला बेल रही हूँ, क्योंकि पतला बेल करके मठरी बनाने में बहुत ही इजी होता है। और अब हम इसे मठरी को हम इस तरीके से गिलास या ढक्कन से कट कर लेंगे और इसे गोल गोल मठरी का शेप देंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे मठरी को कट कर लिया है। और अब हम इसका एक्स्ट्रा पार्ट निकाल लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने मठरी को थिक रखा है। एक्स्ट्रा वाले पार्ट को निकाल करके हम इससे का फिर से मठरी बना लेंगे। और मठरी को इस तरीके से अलग करके हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे मठरी को बेल करके और कट करके निकाल लिया है। और चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल डालकर यहाँ मैंने इसे गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये देखिए, तेल गर्म हो गया है। हम इसमें एक एक करके मठरी डालेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे अगर आप मठरी फ्राई करेंगे तो मठरी आपका बहुत ही अच्छा क्रिस्पी खस्ता बनेगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने
एक एक करके सारे मठरिया को तेल में डाल दिया है। आप एक बार में जितना आपका कढ़ाई में मठरी अटे उतना ही मठरी डालें, इससे ज़्यादा ना डालें, नहीं तो मठरी अच्छे से पकेंगे नहीं। इसके ऊपर से अच्छा सा कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। और अब हम सारे मठरियों को एक एक करके पलट लेंगे। मठरी को आप मीडियम फ्लेम पे उलटते और पलटते हुए दोनों तरफ से क्रिस्पी या गुलाबी कलर आने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। और ये देखिए मठरी में बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। और अब हम सारे मठरियों को तेल में से निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा आप फ्राई ना करें, नहीं तो मठरी का स्वाद कड़वा हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ मैंने तेल में से इसे निकाल लिया है और अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। और सेम तरीके से हम तिल वाले मठरी को भी कढ़ाई में डाल करके मीडियम फ्लेम पे ही इसे भी फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप मठरी बनाएंगे तो मठरी आपका बहुत ही क्रिस्पी और करारा बनेगा। और इसे 15 से 20 दिन के लिए आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। और ये देखिए मठरी में हमारा सुनहरा कलर आ गया है और अब हम इसे तेल में से फ्राई करके निकाल लेंगे। दोस्तों आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और ये देखिए यहाँ मैंने सारे मठरी को तेल में से निकाल लिया है। मठरी को प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम चलिए इसे सर्व कर लेते हैं।